दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। हम आज भाषिक संप्रेषण एक कला इस विषय पर प्रकाश डालने वाले हैं। भाषा विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा मनुष्य को मनुष्य और समाज से जोड़ती है। भाषिक माध्यम के द्वारा व्यक्ति अपने युग और भविष्य से जुड़ता है तथा अतीत से प्रेरणा ग्रहण करता है। मनुष्य विचारशील और संवेदनशील प्राणी है। ये दोनों तत्व मनुष्य को अमरत्व प्रदान करते हैं और दोनों तत्वों को शाश्वतता प्रदान करने की शक्ति भाषा में है। पीढ़ी दर पीढ़ी भावों एवं विचारों का संप्रेषण भाषा के माध्यम से होता है। व्यवहार भाषा बहते नीर के समान है, यानी जिस प्रकार जल बहता है उसी प्रकार भाषा भी बहती चली जाती है। किंतु भावों एवं विचारों की समूहिका के रूप में भाषा को लिखित रूप प्राप्त होता है। उसमें भाषिक परिवर्तन के बावजूद स्थैर्य आ जाता है। जब व्यक्ति के भाव विचार या अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्राप्त होता है तो उसे हम साहित्य की परिधि में लाते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं को प्रेषण करने की प्रक्रिया है। किस किस के बीच मौखिक है, लिखित रूप से है, सांकेतिक रूप से है और प्रतीकात्मक रूप से है। ये चार रूप जो हैं संप्रेषण के, भाषा के संप्रेषण के रूप हैं। संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। संदेश का पहला पक्ष है संदेश भेजने वाला और उसका दूसरा पक्ष है संदेश प्राप्त करने वाला। भाषिक संप्रेषण एक कला यह किताब में भाषा के अभिलक्षण अथवा स्वरूप उसमें दिए गए हैं। उससे पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम जानते हैं, और वो समाज में रहता है और समाज में रहने के कारण विचारों का आदान प्रदान करता है। यह विचार विनिमय के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। कोई भी मनुष्य हो, अगर विचारों का आदान प्रदान करना होता है तो उसे भाषा का प्रयोग करना ही पड़ता है। भाषा के अलावा वो अपने विचार एक दूसरे तक नहीं दे सकता। इस विचार विनिमय के कुछ साधन कौन कौन से साधन हैं विचार विनिमय के, जिसमें स्पर्श हैं, रूप हैं आदि साधनों द्वारा मनुष्य विचारों की अभिव्यक्ति करता है और इसके लिए भाषा महत्वपूर्ण साधन है। अर्थात अन्य साधनों से विचार विनिमय हो सकता है किंतु उतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि भाषा द्वारा होता है। स्पष्ट है कि भाषा के द्वारा ही मनुष्य भावों और विचारों को समझ सकता है। हाथों का संकेत ये भी भाषा ही है, लेकिन हाथ का संकेत हा या ना में ही हमें वहाँ पर सूचित कर सकता है, संकेत दे सकता है। जितनी भाषा में हम भाव और विचारों को समझ सकते हैं उतने सांकेतिक या प्रतीकात्मक रूप में हम नहीं समझ सकते। भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। इस दृष्टि से पशु पक्षियों की बोली भाषा, सड़क की लाल हरी बत्ती की भाषा है और मनुष्य जो बोलता है वह भी भाषा है। अर्थात अपना अभिप्राय व्यक्त करने के लिए आँख, हाथ, सिर आदि का संचालन भी भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा का मुख्य प्रयोग ध्वनि संकेतों की सहायता से भावों या विचारों की अभिव्यंजना के लिए होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी भाषा को लेकर अनेक परिभाषाएँ भाषाविदों ने यहाँ पर रखी हुई है। उसमें से हम सरल भाषा विद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा को हम देखना चाहेंगे। वे कहते हैं भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। अर्थात भाषा मानव उच्चारों के अवयवों से उच्चारित होती है। वह ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचती हैं और लोग उसको समझ सकते हैं या विचार विनिमय कर सकते हैं।
डॉक्टर बुरहानुद्दीन तिवारी ने बड़ी सरल भाषा यहाँ पर रखी हुई है। हम कुछ आगे चलकर भाषा के अभिलक्षण और उसके स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला स्वरूप यहाँ पर ये है, भाषा उच्चारित संकेत है। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि समूहों को ही कहते हैं, इसलिए भाषा प्रकाशन के मुख साधन जैसे मुख विकार, इंगित, नेत्र संचालन इसके अंतर्गत नहीं आते। इसके साथ ही पशु पक्षी तथा मानवेतर गलियों की ध्वनियों को भाषा नहीं कह सकते। मनुष्य द्वारा चुटकी बजाना या ताली बजाना जैसी ध्वनियाँ भी भाषा नहीं है, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। अर्थात भाषा उच्चारित संकेत मात्र ही है। दूसरा अभिलक्षण यहाँ पर हम देखते हैं, भाषा में ध्वनियों की एक व्यवस्था होती है। ये बात सही है, भाषा कहलाने के लिए इन ध्वनियों की व्यवस्था होना अनिवार्य है। मानव मुख से कोई भी अव्यवस्थित उठपटान ध्वनि समूह भाषा नहीं कहला सकती। अगर हम कहें ड फ न त ल ला की, अगर हम ऐसे ध्वनियों को अक्षरों को उठाएंगे वहाँ पर और एक वाक्य में जोड़ देंगे तो उसका ना कोई अर्थ है और ना ही कोई मनुष्य उसको समझ सकता है। इसीलिए एक ध्वनि समूह के माध्यम से ही भाषा वहाँ पर बोली जाती है, समझ सकती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। तीसरा स्वरूप यहाँ पर यह है कि यादृच्छिक ध्वनि संकेत। यादृच्छिक का आशय यह है कि इन ध्वनि संकेतों को शब्दों और उनके अर्थों में कोई सहज संबंध या नैसर्गिक संबंध नहीं होता। जैसे संस्कृत में जिसे श्वान कहते हैं उसे ही हिंदी भाषा में कुत्ता, लैटिन में कैनिस तथा अंग्रेजी में डॉग कहते हैं। इनमें से किसी भी ध्वनिया का कुत्ते नामक जीव से कोई सहज संबंध नहीं है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी ध्वनि समूह और इसे अतीत अर्थ में कोई अनिवार्य संबंध होता तो संसार की भाषा में प्रत्येक प्राणी या पदार्थ के लिए एक ही ध्वनि संकेत होता, भिन्न भाषा होने का प्रश्न ही न उठा। यानी हर भाषा में किसी वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन ध्वनियों को उन भाषा के माध्यम से व्यक्ति उसको समझ सकता है। चौथा स्वरूप यहाँ पर यह है कि रूढ़ ध्वनि संकेत। रूढ़ शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है कि प्रचलित या प्रसिद्ध, यानी शुरू से परंपरा से जो शब्द जो अक्षर बने हुए हैं आ रहे हैं उनको ही हम उच्चारित कर रहे हैं। जब कोई ध्वनि समूह या शब्द किसी अर्थ विशेष में प्रचलित होकर पूरे समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसे रूढ़ होना कहते हैं। पहले से लोग वस्तु विशेष के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग करते थे, जिस प्रकार पेड़ शब्द वृक्ष यह संस्कृत शब्द है, आगे चलकर वो पेड़ बन गया है और उससे उत्पन्न होने वाला भी शब्द वृक्ष कहलाता है। घर, घोड़ा, सूर्य आदि ये रूढ़ शब्द हैं और आज भी जैसे के वैसे भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं। पांचवा स्वरूप यहाँ पर यह है कि भाषा व्यक्तिकृत नहीं अपितु समाज सापेक्ष है। भाषा यह समाज सापेक्ष ही है। भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। कोई शब्द और अर्थ का स्वीकार पूरे समाज द्वारा किया जाता है, समाज के बिना कोई संबंध या उसका अर्थ भाषा विशेष में स्थान नहीं पा सकता। एक समाज एक शब्द का अर्थ एक ही ग्रहण करता है, चाहे वह दूसरे समाज के उस शब्द का अर्थ हो। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं, हिंदी का शिक्षा शब्द यह पढ़ाई के लिए है तो मराठी में शिक्षा यह शब्द दंड के अर्थ में प्रतीत होता है। उसी प्रकार अरबी में दरिया शब्द अर्थ नदी है तो गुजराती में समुद्र है। यानी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों के अर्थ वहाँ पर बदल जाते हैं। यानी समाज सापेक्ष होती है, व्यक्ति सापेक्ष भाषा नहीं होती। छठा स्वरूप यह है यहाँ पर, भाषा प्रयत्न साध्य है।
तात्पर्य यह है कि कोई भी भाषा मनुष्य को जन्म के साथ स्वयं प्राप्त नहीं होती, वह नैसर्गिक रूप से नहीं मिल सकती। मनुष्य को भाषा ग्रहण करने की नैसर्गिक शक्ति होती है और भाषा मनुष्य के प्रयत्न से सीखी जा सकती है, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं। उसे भी व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रयत्न से ही सीखता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, मनुष्य अनायास सीखता है। जब कोई बालक का जन्म होता है और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो माँ उसे कुछ न कुछ भाषा के शब्द, कुछ अक्षर वो सिखाती है, अर्थात वो प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने के बावजूद वह सीखता है। सातवां स्वरूप यहाँ पर ये है कि भाषा के दो रूप हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक पहला है उच्चारित रूप और दूसरा है लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप यह गौण समझा जाता है, जबकि भाषा का उच्चारित रूप यह मुख्य समझा जा सकता है, क्योंकि उच्चारित रूप ही महत्वपूर्ण है। आठवां है स्वरूप यहाँ पर, भाषा संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के अभाव में मनुष्य भावों और विचारों का पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए तथा उसे अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। नौवां लक्षण है यहाँ पर, भाषा परिवर्तनशील होती है। ये सही है, भाषा बदलती जाती है, भाषा सदैव बदलती रहती है। भाषा कोई अंतिम या स्थिर रूप नहीं होता। भाषा में यह परिवर्तन ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ सभी स्तरों पर होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सत्याग्रह या आंदोलन जैसे शब्द सन 1921 के बाद प्रयोग में आने लगे हैं, अर्थात सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के समान भाषा भी परिवर्तित होने वाली वस्तु है। किसी देश और किसी युग की भाषा ऐसे नहीं रही जो परिवर्तनशील न हुई हो, अर्थात भाषा परिवर्तनशील होते होते आज तक बहुत सारी परिवर्तनशील भाषा हमें देखने को मिलते हैं। दसवां है यहाँ पर, भाषा अनुग्राह्यता होती है, अनुग्राह्य होती है। मानव भाषा समाज विशेष के अनुकरण द्वारा सीखी या ग्रहण की जा सकती है। जन्म से कोई भी व्यक्ति भाषा नहीं जानता, किंतु अन्य सभी जीव जंतु अपनी भाषा अपनी समाज से नहीं सीखते, बल्कि उनकी अपनी भाषिक क्षमता उनमें जन्मजात होती है। अनुकरण से ही व्यक्ति अपनी भाषा के व्यतिरिक्त अन्य भाषाएं भी सीखता है, अर्थात भाषा अनुग्राह्यशील होती है। ग्यारहवां है स्वरूप यहाँ पर, भाषा सृजनात्मक होती है, उसका निर्माण होता है। भाषा में शब्द और रूप तो प्रायः सीमित होते हैं, किंतु उन्हीं के आधार पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार सादृश्य के आधार पर नित्य नए असीमित वाक्यों का सृजन करने का उसका प्रयोग करते रहते हैं, अर्थात भाषा में नए नए शब्द गढ़े जाते हैं और नए नए शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए भाषा सृजनात्मक होती है। बारहवां स्वरूप यहाँ पर है, प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है। ये सही है, प्रत्येक भाषा की बनावट ही नहीं, ढांचा भी दूसरी भाषा से भिन्न होता है। हिंदी में दो लिंग हैं, गुजराती में तीन हैं, हिंदी में भूतकाल के 6 वेद हैं, हिंदी के 2 वचन तो संस्कृत के 3। कुछ भाषाओं के कुछ ध्वनियों का संयोग संभव है, पर दूसरी भाषाओं में नहीं है। यानी भाषा और मराठी में अगर हम देखें तो एकांकी शब्द वहाँ पर वह पुल्लिंगी रूप में, तो हिंदी में वही शब्द स्त्रीलिंगी रूप में उसका उच्चारण होता है। यानी प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र रूप से होता है। तेरहवां लक्षण यहाँ पर यह है कि भाषा की भौगोलिक सीमाएं होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की भाषा में भेद होना अनिवार्य है। 4 कोस पर वाणी बदले 8 कोस पर वाणी, यह कहावत प्रसिद्ध है। हम भी अगर हम भारत देश को देखें तो भारत देश में अनेक भाषाएं, अनेक प्रांतवार रचनाओं के अनुसार उनकी मातृभाषाएं भी अलग अलग प्रकार की बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार की बोली भाषाएं भी हैं। और इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र की भी एक सीमा है,
गुजरात की भी एक सीमा है, पंजाब की भी एक सीमा है, उसी सीमा के अंतर्गत उसकी मातृभाषा बोली जाती है, इसीलिए भाषा की भौगोलिक सीमाएं होती है। 14वां यहाँ पर है, भाषा परंपरागत होती है। हमने यह इससे पूर्व भी देखा कि जो रूढ़ ध्वनि संकेत होता है, प्रचलित ध्वनि संकेत होता है, परंपरागत रूप से भाषा जिस प्रकार आ रही है उसी प्रकार भाषा आगे चलकर भी बोली जा रही है, आगे चलकर भी मनुष्य उसका इस्तेमाल विचार विनिमय के लिए कर रहा है। मित्रों, हमने भाषिक संप्रेषण एक कला में भाषा किस प्रकार संप्रेषित की जाती है, भाषा और मनुष्य विचारों का आदान प्रदान तथा भाषा के स्वरूप और भाषा के अभिलक्षण के ऊपर जो है हमने प्रकाश डाला हुआ है। धन्यवाद।